तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 1 की खत्म हुई थी। जो परी रहती है गुलाबे वालों वाली, वो जियांग को आके बचा लेती है नीचे गिरने से और अपने इंट्रोडक्शन देती है कि वो प्यार की देवी है, और बोलती है जियांग से कि अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे क्योंकि इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है। लेकिन जियांग उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या मेरे पीछे पागल है? अरे वो नहीं, पूरी स्कूल मेरे पीछे पागल है, पूरी दुनिया मेरे पीछे पागल है। देखना, एक दिन ऐसे चलता रहेगा तो सब मुझे मिलकर मार डालेंगे, फिर मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, फिर मेरे मम्मी पापा मुझे घर से भी निकाल देंगे, और एक दिन मैं सड़क पे आ जाऊंगा, वहीं से फिर मैं मर भी जाऊंगा। पूरी जिंदगी तूने मेरी बर्बाद कर दी। तो प्यार की परी कहती है, अरे बस का ज्यादा नाटक मत कर, इसका सलूशन है, तुझे बस उनकी इच्छा पूरी करनी है, वो सारी लड़कियों की जो उनके मन के अंदर जो बात है वो पूरी करनी है, जो उनको चाहिए तुझे वो दे देना है। और इतने में उस परी का ध्यान कहीं और जाता है, इसलिए वो उसके पीछे चल जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सारे बच्चे देखने लगते हैं, अरे यार जियांग कूद के, चलो जाके नीचे देखते हैं। और जो दूसरी तीसरी लड़की थी वो भी आ जाती है देखने, और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और जियांग झाड़ू के पीछे छुपा है और सोच रहा है, चलो भाई सर बच गया लेकिन हमेशा नहीं बचूंगा। और दूसरी और तीसरी लड़की को तो देख लेता है लेकिन उसको पहली वाली नहीं दिखाई देती, तो कहीं सोचता है मैं कूद गया, मेरे पीछे कहीं वो भी तो नहीं कूद गई मेरे प्यार में, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। लेकिन वो कूदी नहीं है, वो छत के ऊपर ही है और रो रही है कि उसका बॉयफ्रेंड, मतलब जिससे वो पसंद करती है, नीचे कूद गया। तो वहां पे जियांग आता है, उसे देख के वो लड़की काफी खुश होती है कि ये मरा नहीं है। और जियांग उस लड़की से कहता है, कल मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर लड़की काफी ज्यादा खुश होती है, क्या कल हम डेट पे जा रहे? लेकिन वो डेट पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में लेके आया रहता है, वो ये चेक कराने की ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन उसको भी कंफर्म करना है। यहाँ हॉस्पिटल में सारे लोग घूर के देख रहे, आजकल के बच्चे कैसे इतनी सी उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया, कैसा लड़का ये है। और वहाँ पे वो लड़की, उसका इस नाम है जी तोंग, तो मैं जी तोंग ही उसे आपसे बोलूंगा, और जी तोंग एकदम चिपकी हुई है जियांग से और कहती है, जियांग से तुम यहाँ पे कंफर्म करने आए हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं? और मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में ये लिखा था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुन के जी तोंग तो काफी दुखी होती है, लेकिन जियांग काफी ज्यादा खुश रहता है, उसको पहले से पता है कि इतनी प्रेग्नेंट नहीं है, नाटक करिए सब जो चॉकलेट है उसका असर है। और आग एकदम चिपक जाती है जियांग से और कहती है कि इस बार भले ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगले बार हम पूरी कोशिश करेंगे और देखना अगले बार मैं प्रेग्नेंट होकर रहूंगी। और पूरी चिपक जाती है जियांग से, जिस कारण जियांग भी काफी शर्मा रहा है और आसपास वाले घूर के देखने लगते हैं जियांग को, देखो कैसा बेशरम लड़का है, लड़की के साथ पूरे हॉस्पिटल में एकदम खुलेआम ये सब कर रहा है। और जियांग उसे दूर करता है और कहता है, सबसे पहले मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी होगी, तुम्हारी फैमिली से बात करनी होगी, तो मुझे सबसे पहले वहां तो ले जाओ। तो जी तोंग उसे ले भी जाती है, और उसका घर को छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बंगला था, वो बहुत अमीर लड़की थी। और घर में जाती है तो उसकी केयर टेकर आती है बहुत सुंदर सी, और जियांग को देख के पूछती है, ये कौन है? तो जी तोंग बोलती है, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन जियांग उसका मुंह चुप करा देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं इसका दोस्त हूँ। अब अंदर वो बैठता है, अब जो जी तोंग की केयर टेकर थी वो बताती है जियांग से, जो हमारी मालकिन के जो पापा है यानी जो बड़े मालिक है, वो कभी इस घर में आते ही नहीं, इस घर में अकेले हमारी मालकिन नहीं रहती है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत उनको बिजनेस संभालना है, इसलिए वो हमेशा यहाँ से दूर रहते हैं और हमेशा बिजनेस पे ही रहते हैं। तभी उस घर का बॉडीगार्ड आते चिल्लाते हुए कि जियांग नाम के एक बंदे ने हमारी मालकिन को प्रेग्नेंट कर दिया है। और वो केयर टेकर भी बोलते, इस नाम का तो मैं एक लड़के का नाम सुनी हूँ, और वो जियांग यहीं पे था। सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं, तो पीछे से जी तोंग आती है और कहती है, प्लीज उसे मत मारो, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। ये सुन के और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या हमारी मालकिन से प्यार करेगा ऐसा लड़का, उसे और भरदम पेल देते हैं। फिर वो चिल्लाती है जी तोंग, प्लीज मारो मत इसे, और बोलती है, भले ये उतना मेन नहीं है, भले ये कोई नौकरी नहीं करता, भले इसके पास गाड़ी नहीं है, भले ये भीख मांग के मेरा पेट पालेगा, मैं उतने में खुश हूँ, और हमने वादा किया हम शादी करेंगे। इस बात पे बॉडीगार्ड और गुस्सा हो जाते और जियांग को मारते हो, कहते क्या हमारी मालकिन से तो शादी करेगा। उसके बाद जी तोंग फिर कहती है कि भली मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी इस बार, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे कल, और इस बार मैं पक्का प्रेग्नेंट होंगी। और ये सुनकर बॉडीगार्ड और गुस्सा होते हैं और भरदम उसे पेल देते हैं। यहाँ पे जियांग की हालत खराब हो रही है, वो जी तोंग से कहता है कि अरे प्लीज चुप हो जा यार, वरना ये लोग मार के मेरी हड्डी बुड्डी सब तोड़ देंगे। और जी तोंग जियांग को बचाने के लिए उसको अपने कमरे में ले जाती है, और वहाँ पे जी तोंग देखते हैं कि उसका कमरा काफी बड़ा और काफी ज्यादा सुंदर है, और दरवाजे के बाहर सारे बॉडीगार्ड पहुंचे और बोल रहे हैं, मालकिन अब दरवाजा खोलिए, उस आदमी को हम उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम मार के रहेंगे। लेकिन जी तोंग दरवाजा नहीं खोलती और जियांग उसका जाके मुंह चुप कराता है। तभी इनके बीच में थोड़ा सा मतलब मूवमेंट हो जाता है, बहुत मतलब स्वीट सा एक मूवमेंट आ जाता है, लेकिन उसका एहसास होता है यार मुझे ये सब नहीं करना, और पीछे हटता है। तभी उसका ध्यान जाता है कैलेंडर पे, जो कि एक साल पुराना कैलेंडर था, और उस पर एक डेट मार्क किया हुआ था, उधर ये लिखा था कि आज मैं अपने पापा के साथ खाना खाई और ये मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। और फिर जियांग दरवाजा खोलता है, जहाँ बाहर जो केयर टेकर थी वो जी तोंग के पापा को फोन करके बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़का आया है, उसने ऐसा प्रेग्नेंट कर दिया मालकिन को। और जियांग उससे फोन छीन लेता है
और कहता है कि बूढ़ा तू सुन रहा है, तेरे में दम है तो हिम्मत है तो यहाँ आ जा, मैं तेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, देखता हूँ तो क्या उखाड़ सकता है। और आसपास वाले सारे बॉडीगार्ड देख के हैरान, अरे बाप इस लड़के में इतना दम है, सीधे मालिक को फोन कर दिया और इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि हिम्मत है तो आके दिखा। और दूसरी तरफ जो जीत उनका बाप है वो भी हेलीकॉप्टर गाड़ी लेकर पूरा मिलिट्री लेकर पहुंच जाता है यहाँ पर, और जैसे वो पहुंचता है वो इसी एपिसोड खत्म हो जाता है, पर टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ता हूँ सीधा एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से 2 की खत्म हुई। जीत उनका बाप आ चुका है और अपने साथ मिलिट्री वाले लेकर आया है और सब ने एकदम बंदूक टांग के रखा जियांग के ऊपर। जियांग डरा हुआ है कहीं मुझे गोली ना मार दे, तो जीत उनका बाप कहता है अरे गोली मत मारो, बंदूक नीचे कर लो। ये सुन के जियांग खुश हो जाता है, अरे मुझे गोली नहीं मारेंगे, काश मैं बच गया, मुझे शायद कोई ना मारेगा। लेकिन जीत उनका बाप कहता है कि गोली मत मारो, सालों को जाके सीधा लात से मारो। और उसे लात से पहनने लगता है, तभी वहाँ पे आती है जीत और कहती है अरे पापा आप गलत समझ रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, आपको इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट दिखाती है, उसका बाप रिपोर्ट देखता है और जियांग से कहता है अरे जब प्रेग्नेंट हुई नहीं थी तब क्यों ऐसा नाटक किया, फालतू में तुम मार खा गया। तो ये सुनकर जियांग कहता है मैंने ये इसलिए किया ताकि आप अपनी बेटी से मिलने आओ, अगर मैं ये नहीं कहता तो शायद आप अपनी बेटी से मिलने नहीं आते। आपने अपनी बेटी को खाना दिया, कपड़ा दिया, इतना बड़ा महल दिया, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन कभी आपने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया। और ये सुनकर जियांग का बाप और ये सुनकर जीतों का बाप गुस्सा हो जाता है और कहता है तुझे क्या मालूम प्यार के बारे में। तो जियांग उसको कैलेंडर दिखाता है और कहता है देखो इस कैलेंडर में 1 साल पहले तुमने अपने बेटे के साथ बैठ के खाना खाया, कभी उससे फीलिंग के बारे में कभी सोचा है, कभी उसके इमोशन के बारे में सोचा है, वो बस ये चाहती थी कि आप उसके पास रहो, उसके हमेशा साथ रहो, उसकी हमेशा मदद करो, उससे एकदम करीब रहो, लेकिन आप तो हमेशा बिजनेस के लिए यहाँ कभी वहाँ रहते, अपने बेटे के साथ कभी बैठ के 2 पल से बात भी नहीं किया। और ये सब देख के जितने भी बॉडीगार्ड और केयरटेकर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जियांग भी सोचता है यही सही मौका है, ज्ञान मैंने फेल दिया, अब कटाक लेता हूँ यहाँ से, और वहाँ से निकल जाता है और बहुत दूर से चक्कर मारता है, इधर उधर भागता है, मतलब निकलने की कोशिश करता है। लेकिन घूम फिर कर वापस पता चलता है कि जिस घर से वो निकला था उसी घर के बैक यार्ड यानी पीछे पहुंच गया है। और वहाँ पे जीत भी पहुंच जाती है और वो केस करने वाले रहती है जियांग को, तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। अब जियांग को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से गायब कैसी हो गई, तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी है यानी क्यूपिड गर्ल वो आती है और बताती है वो गायब नहीं हुई है, तूने उसकी इच्छा पूरी कर दी है, उसकी यही इच्छा थी कि अपने पापा के साथ हमेशा रहे और खाना खाए, और ऐसा हुआ भी है जो तूने भाषण दिया था अभी, मतलब अब वो तेरे प्यार से मुक्त हो गई है। और ये सुन के जियांग भी खुश हो जाता है और सोचता है चलो एक लड़की से तो बल्ला टली, और वो निकल जाता है। फिर अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ उसकी अभी भी हालत खराब है क्योंकि एक लड़के से पीछा छुड़ा अभी बाकी 2 बाकी है। तभी देखता है बहुत सारे पैम्पलेट छूट रहे हैं और उस पैम्पलेट पे इसका ही फोटो रहता है और ये लिखा था कि मेरे पति गायब हो चुके हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, प्लीज अगर वो मिले तो इस नंबर पे फोन कीजिए। और वो तीसरी वाली लड़की थी जिसको गाइस जैसे ही जियांग ने वो पैम्पलेट देखा उसकी फटके 4 हो चुकी है। सोचता है कि दूसरों के नजर में आने से पहले मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ और चुपके से वहाँ से निकलने लगता है। तभी गाइस एक चौथी लड़की की एंट्री होती है जो कि बोर्ड पे जियांग का नाम देखती है और नाम देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे जियांग दम चुपके चाप के कैसे भी पहुंच चुका अपने क्लास में, अब चुपचाप बैठा था, तभी आ जाती है पहली वाली लड़की यानी जीतांग। और वो जियांग से कहती है क्या तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो क्या कल हम साथ में स्कूल से घर पे जा सकते हैं, एकदम शर्माते हुए। तो जियांग उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मेरे बारे में भूली नहीं हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे को जानती हूँ, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकूँ। और ये सुन के दम जियांग की और फट जाती है कि कल यार मैंने तो इसका इच्छा पूरा कर दिया, अभी भी मुझे जानती है। तो वो जो देवी थी मतलब जो प्यार वाली देवी उसे बुलाता है और कहता है कि यार कर तो मैंने उसको ठीक कर दिया था, उसका इच्छा पूरा कर दिया था, तो भी मेरे को जानती है, मेरे बारे में भूली नहीं, तो मुझे बताएगी आखिर ये चल क्या रहा है। तो बोलते यार मुझे माफ़ करना, मैं कल तुझे बताना भूल गई थी। वो सारी चीज़ें तो ये भूल चुकी है जो कि फॉल्स मेमोरी बना था कि वो प्रेग्नेंट है वो सब, लेकिन ये 2 दिन का मेमोरी है जब वो तेरे प्यार में पागल हुई थी वो सब उसको अभी भी याद है। तो हो सकता है उसके दिल में तेरे लिए कुछ अलग फीलिंग आ चुकी होगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, तो बाकी अब तू ही संभाल। और वो गायब हो जाती है। और यहाँ पे जियांग और जीतोंग जब तक अपनी बात पूरी करे उतने में जो चौथी लड़की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो सीधे घुस जाती है, तब आके चाकू फेंकती है सीधे जियांग की तरफ। जियांग उसे बच जाता है और उसके पास आ जाती है और कहती है क्या ये सब चल रहा है तेरी उस लड़की के बीच में, मुझे समझाएगा। तो जियांग बोलता है कि अरे मैं समझाता हूँ, और ये लेकिन उस लड़की को जानता था, ये कोई अनजान नहीं है, और इस लड़की ने चॉकलेट भी नहीं खाया है, वो क्यूपिड चॉकलेट उसने नहीं खाया है। और कहता है कि मैं समझाता हूँ तुझे कोई गलत फैमिली हुई है। तो वो लड़की कहती है अच्छा गलत फैमिली हुई है, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। और उसको एकदम किस करने लगती है, एकदम दबा के किस करने लगते उसके ऊपर चढ़ के पूरा उसको चाट लेती है। और ये देख के पूरा आस पास वाले सब पूरा रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, देख के हैरान होते हैं कि आखिर बाप रे खुले हम ये क्या कर रहे। और यहाँ पे जियांग भी दम जन्नत में है कि इतने सारे किसे उसे मिले,
उतने में जो लड़की थी चौथी लड़की उसकी माँ पहुंच जाती है और उसको मार के दूर ढकेलती है और कहती है तू अमेरिका से इस फालतू लड़के के लिए आई इतने दूर से यहाँ पर, कैसी लड़की है यार तू, कैसी मेरी बेटी है, क्या बेटी बनी गई तू। और फिर दोनों माँ बेटी के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, माँ कभी बेटी को मारती है कभी बेटी फिर माँ को मारती है, लेकिन एंड में माँ जीतती है और अपनी बेटी को बेहोश कर देती है। और फिर वो माँ अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, कहती है कि मेरी बेटी को उठाओ गाड़ी में ले चलो, इसको हम वापस अमेरिका लेके जाएंगे, और उसे लेके जाती है। और जियांग भी बोलता है उस औरत से कि प्लीज आंटी आप इसे वापस अमेरिका लेके जाओ, तो वो औरत कहती है कि हाँ मैं इसे लेके जाऊंगी और तेरे से तो दूर रखूंगी। इसके बाद वो अकेला बैठा हुआ था जियांग, तभी वो जो प्यार वाली देवी आती है और कहती है क्या जो चौथी लड़की थी क्या उसने वो कीप योर चॉकलेट खाया था, तो जियांग बताता नहीं उसने नहीं खाया था, वो बल्कि मेरी बचपन की दोस्त है, हम लोग साथ में लगभग एकदम छोटे थे हम लोग तब से साथ में खेलते थे, फिर प्राइमरी स्कूल फिर मिडिल स्कूल हम लोग साथ में ही गए, और मुझे पसंद करती थी शायद, और हमेशा से ऐसी बर्ताव करती है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, और फिर अमेरिका भी चली गई थी लेकिन वापस अचानक से आज देख रहा हूँ पहुँच चुकी है। उतने में जो पहली वाली लड़की रहती है यानी जीतो वो भी वहाँ पे पहुँचती है और शर्माती और माती है नाटक करती है छुपने का, एक पत्थर लेके गाइस देखो कितनी बॉडम औरत है, एक पत्थर लेकर छुपने की कोशिश करती है, जियांग उसे देख लेता पूछता अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो भी शर्माते हुए बोलती अरे मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, वो मैं बोल रही थी कि कल हम साथ में ऐसा वैसा पूरा शर्मा रही थी, तो जियांग कहता अरे हाँ तुम बोल रही थी ना कल हम साथ में जाएंगे, अच्छा ठीक है मुझे मंजूर है हम साथ में कल जाएंगे, तो ये सुनकर भी काफी खुश हो जाती है और वहां से चल जाती है। और ये परी जियांग को छेड़ने लगती है, अरे देखा तू भी उसको पसंद करने लगा ना, लेकिन जियांग चिल्लाता है उस पर चुप कर ऐसा कोई बात नहीं है। फिर जियांग भी जाता है वापस स्कूल में, जहाँ जो दूसरी लड़की रहती है सॉकर टीम वाली जो कैप्टन, वो वहाँ पे आ जाती है और जोर से मारती है जियांग और कहती है कि हम यहाँ से ब्रेकअप कर रहे हैं, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखना तो सब्सक्राइब मारिए, मैं जल्द से जल्द कल शाम तक लेके आ जाऊंगा, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।